नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई वे में बहुत सारी जनता रहती है, मेरे हिसाब से 3 मिलियन से ऊपर लोग आप लोग रहते हैं। ग्रेजुएटी बोनस के बारे में जो आपका जॉब का इम्पोर्टेंट भाग है, जी हाँ, और ये आप चाहे कहीं पर भी जॉब कर लो भाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हर आदमी की ये सोच होती है कि लास्ट में अपने को कुछ पैसे मिलेंगे जिससे हम अपना काम चला सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आपको पता है भाई, अभी तो ये बंद कर दिया, पहले जो मिलते थे ना थोड़े बहुत उनके पैसे कट के गवर्नमेंट की तरफ से, लास्ट में वो रिटायर होते थे तो उनका वो एक मोटी अमाउंट मिलती थी जिससे वो अपने बच्चों की शादी या अपना मकान या कुछ भी बिजनेस वगैरह अपनी बुढ़ापे में एक तरह से वो एक सेव मनी होती है उससे वो यूज ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप यूएई में दुबई में जॉब कर रहे हैं, आप कंपनियों में जॉब करते भाई, ग्रेजुएटी बोनस मुझे नहीं लगता लोगों को मिलता होगा, खास तौर से ब्लू कॉलर जॉब वाला उनको तो नहीं मिलता भाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भाई किस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी बोनस की गणना कर सकते हैं, कितना आप एक काउंटिंग एक कैलकुलेटर के माध्यम से कि आपको इतने टाइम से अगर आप काम कर रहे हो तो कितना पैसा आपको मिलना चाहिए, किन कंडीशन में आपको ये नहीं भी मिल सकता है और किन किन कामों में भी नहीं मिलेगा, इससे रिलेटेड भी हम पूरी बात करेंगे। तो भाई वीडियो पूरा देखिए, 5-7-10 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये वीडियो पूरा देख लिए तो आप अपनी कंपनी से ग्रेजुएटी बोनस मांगने के हकदार हो जाते हैं और आपको पता भी लग जाता है, और आप अगर कोई गलती करते हो तो वो नहीं मिलने के क्या कारण है, वो गलती भी आप करने से बच सकते हो। जी हाँ, तो भाई डिटेल से पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वीएई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाई ग्रेजुएटी बोनस की गणना कैसे करें, जी हाँ इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। अग्रीमेंट बात कर लेते हैं, पहले बता दूं भाई अग्रीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सीमित अग्रीमेंट, जी हाँ जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं 2 साल का पहले ही अग्रीमेंट हो गया फाइनल है, एक होता है असीमित अग्रीमेंट, उसको बोलते हैं भाई जब तक कंपनी में काम करते रहो 3-4-5 साल जो भी है आप करते रहो चलता रहता है, वो एक असीमित अग्रीमेंट होता है। जी हाँ, देखिए कुछ आप अगर गलती कर देते हो तो आपको अपने श्रम अधिकार, आपका दुबई का लेबर लॉ है आपके उसके अधिकार दिए गए हैं, कुछ गलती कर देते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है, उन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, असीमित अग्रीमेंट की बात करें तो अगर आप कुछ गलती कर देते हो तो भाई नियुक्ता जो आपका मालिक है जो कंपनी है उसको आपको पैसा देना पड़ सकता है, आप तो ग्रेजुएटी बोनस की सैलरी की बात कर रहे हो, आपको चुकाना पड़ सकता है उल्टा अगर आप गलती कर देते हो। जी हाँ, सीमित अग्रीमेंट में आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। सीमित अग्रीमेंट होता है उसे 1 से 3 महीने के बीच में आपको एक नोटिस देना पड़ता है, नोटिस के हिसाब से आप अपना जॉब छोड़ सकते हैं, आपको उनसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है सर मुझे छोड़ दो, आपने नोटिस दे दिया उसके बाद आप फ्री हो, 1 महीने तक काम करिए, जो भी आपका पैसा ग्रेजुएटी बोनस लेके आप अपने काम से अपने घर आ सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भाई सेवा ग्रेजुएटी बोनस की गणना कैसे करें, और आपका देखिए इसमें एक बात मैं पहले बता दूं कि आप बोनस की मांग कर सकते हैं लेकिन उसमें वेतन मिल गया, आपका आवास से रिलेटेड पैसा मिल गया, आपको परिवहन आप जो आना जाना करते हो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यात्रा भत्ता, या फिर आपका ओवर टाइम जो आपका जो पैसा है आपका सीनियर भत्ता, या बच्चों के या प्रमोशन से रिलेटेड, या फिर आपके जो मनोरंजन से रिलेटेड होते हैं यात्रा भत्ते वगैरह, ये आप मांग नहीं कर सकते भाई, ये उसमें बोनस में ग्रेजुएटी बोनस में शामिल नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ग्रेजुएटी बोनस में वही पैसा शामिल होता है जो आप एक जॉब कर रहे हैं जिसके दौरान जैसे मान लीजिए आप महीने की 10,000 दिरहम सैलरी है, उसका 5 साल का, उसका 1 साल का, 2 साल का जो भी ग्रेजुएटी बोनस है वो मिलेगा, इसके अलावा आपके एक्सपेंसिव जितने भी खर्चे हैं वो उसमें शामिल नहीं होते, उनका अलग होता है, वो आपका अलग प्रोसेस होता है, समझ गए जी। कई कंपनियां भी चालाक होती हैं, कई बार आप भी गलती कर देते हो भाई। जी हाँ, आपको कंपनी को लगता है कि अभी इसका ग्रेजुएट ये जाने वाला है, इसका ग्रेजुएटी बोनस आता है, बोनस आएगा तो इसको कैसे भी करके हड़का दें यानी निकाल दें, तो कंपनी ने आपको निकाल दिया जॉब से किसी भी कारण की वजह से, दुबई का जो लेबर लॉ है 139 जो एक्ट बना है 139 के तहत आपने नियमों का उल्लंघन किया है तो आपको ग्रेजुएटी बोनस नहीं मिलेगी भाई, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नियमों के उल्लंघन कौन से हो सकते हैं इन चीज़ों का भी ध्यान कर लें, अगर ये गलती कर देते हैं कुछ मैं नीचे बताने वाला हूँ, ये गलती कर देते हैं तो भाई आप इस ग्रेजुएटी बोनस का जो एंड ऑफ ईयर्स आपका एंड ऑफ सर्विस का जो आपका लाभ होता है वो नहीं मिलेगा, इन चीज़ों का ध्यान कर लीजिए। अनुच्छेद 120 में कुछ कारण होते हैं इस वजह से आपको बर्खास्त कर दिया जाता है, जी हाँ, अगर वह अनुच्छेद 120 से बचने के लिए रोजगार छोड़ता है, अनुच्छेद 120 एक दुबई का अलग से लेबर लॉ है, इस पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आप देख सकते हैं, अगर उसके हिसाब से आप जॉब छोड़ सकते हैं, जैसे क्या कारण हो सकता है अनुच्छेद 120 में, जैसे आपने कंपनी का कोई सामान का ना मतलब ख़राब कर दिया, उनका कोई प्रोडक्ट था उनको तोड़ फोड़ दिया, उनको हानि पहुंचा दी, दिया इसके आरोप आपके ऊपर लगे हैं, आपको चेतावनी दी जाती है, आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, आपको आपने कोई अपराध किया, जी हाँ, आदि के बाद में आपने जॉब छोड़ दिया, आपने गलती करी है और आप जॉब छोड़ के भाग गए,
तो आपको जो ये ग्रेजुएटी बोनस है ये नहीं मिलेगा। या फिर आप अपने जॉब से रिलेटेड उसमें विफलता पाई, आप सक्सेस नहीं हो पाए, आपने कंपनी को घाटा दिया, नुकसान दिया, इस वजह से आप कंपनी छोड़ दी, तो आपको ग्रेजुएटी बोनस नहीं मिलने वाला। जी हाँ, अनुच्छेद 121 में जो निर्धारित मामले हैं भाई, उनके अलावा अगर मामलों में आप नोटिस दे के आप इस्तीफा देते हैं तो भी आपको ग्रेजुएटी बोनस नहीं मिलने वाला, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जी हाँ, अभी बात कर लेते हैं भाई, सब कुछ ठीक ठाक है, आपको ग्रेजुएटी बोनस की पता होना चाहिए कि किस तरह से मिलता है। देखिए, सीमित अग्रीमेंट और असीमित अग्रीमेंट अलग अलग होते हैं, लेकिन ग्रेजुएटी बोनस है ना वो सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अग्रीमेंट आपका कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक साल से कम में आप जॉब करते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी से 9-10-11 महीने में आपने जॉब छोड़ दिया, तो आपका कोई ग्रेजुएटी बोनस नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जी हाँ, एक साल या एक साल से अधिक 5 साल तक आप जॉब करते हैं उसका ग्रेजुएटी बोनस अलग होता है, 1 साल से या 10 साल से अधिक 5 साल से 10 साल के बीच में अलग होता है, और 5 साल से 15 साल के बीच में अलग ग्रेजुएटी बोनस होता है। जी हाँ, 1 साल से 5 साल तक की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष, यानी आपने मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे काम कर रहे हैं कंपनी में, 1 साल से लेके 5 साल तक लगातार काम कर लिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 साल से आपने 2 साल कर लिया, 3 कर लिया 4 5 साल, 1 से 5 साल के बीच में कितना भी आपने काम किया है उसकी ग्रेजुएटी बोनस कैसे निकालेंगे उसका देखिए। 1 साल से लेके 5 साल तक अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो प्रत्येक साल में 30 दिन होते हैं, उसमें 21 दिन का आपका ग्रेजुएटी बोनस बनता है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे आपने 5 साल काम कर लिया, सीधी गणित अगर बात करें तो 5 साल काम कर लिया तो 21 दिन का आपका 1 साल का ग्रेजुएटी बोनस होता है। 21 × 5 = 5, यानी आपका दिन बनता है कितना, 105 दिन। जी हाँ, 105 दिन का आपका ग्रेजुएटी बोनस बनेगा। अब इसमें आगे बात करें, अगर 5 साल से ज़्यादा आप काम कर लेते हैं, 5 साल से मान लीजिए आपने 10 साल काम कर लीजिए, तो अगर 5 साल से ऊपर किसी कंपनी में काम करें तो वो ग्रेजुएटी बोनस फिर आपका 30 दिन का बनेगा, यानी 1 साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 1 महीने का एक्स्ट्रा आपका आपको बोनस दिया जाएगा, यानी 1 साल में महीने 12 होते हैं लेकिन 13 महीने की तनख्वाह उसमें जुड़नी चाहिए, तो वो 1 साल का होता है 30 गुणा, यानी आपको बात करें 10 साल, यानी 1 महीने। भाई आप समझे ना बात को, कि 5 साल से 10 साल के बीच में अगर गुणा करोगे तो 30 दिन आपका 1 साल का होगा, तो 30 × 10 साल हो गए ना, 30 × 10, यानी आपने 300 दिनों का आपका ग्रेजुएटी बोनस है। जी हाँ, अब ये किसे कैसे निकालेगा, मान लीजिए आपकी 10,000 दराम सैलरी है, या आप अपने हिसाब से देख लो भाई, कैलकुलेशन कर लेना, आपकी 8,000 है 5,000 है 15,000 है 20,000 महीने की कितनी तनख्वाह आपकी बनती है। जी हाँ, आपकी मान लीजिए 10,000 महीने की आपकी सैलरी, आप एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, तो दिन की एक दिन की तनख्वाह कितनी हुई, 333 दराम एक दिन की हो गई ना, तो 333 को आपने 1 साल से लेके 5 साल तक काम किया तो 21 दिन का बोनस मिलेगा, तो उसमें कितना है अगर बात करें, 333 × 21 दिन, यानी 7,000 रुपये आपका बोनस बनता है। जी हाँ, 1 से 5 साल तक की अगर बात करें तो, अगर 5 साल से 10 साल की अगर बात करें तो 333 आपकी पर डे तनख्वाह है, उसको 30 दिनों से गुणा कर लो तो ये 10,000 रुपये होता है। जी हाँ, इस तरह से अधिकतम ये 2,40,000 दुबई दराम तक आपकी बोनस बन सकता है, आपकी जितनी तनख्वाह है। अब आपकी अगर तनख्वाह की बात करें भाई, कि आपकी महीने की 1,000 दराम तनख्वाह है, आपने 5 साल की कैलकुलेशन करनी है, तो सीधी सी बात है आपका 21 दिन आपका 1 साल का जोड़ लो और 33 रुपये आपकी शायद एक दिन की तनख्वाह बनती है, सिंपल सी बात है, 33 × 7 = 21 जोड़ लो आप। या फिर आपकी अगर 2,000 है तो उसको ज़्यादा उसमें डबल कर लो, 66 कर लो, तो सिंपल सा, इतना कोई हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो निकाल सकते हैं ग्रेजुएटी बोनस की, ताकि आप जब भी, आपको हमेशा ध्यान रखना भाई, 1 साल से ऊपर आपने काम किया है और फिर आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो आप ग्रेजुएटी बोनस के हकदार हैं, कंपनी नहीं देती है तो आप मांग सकते हैं। ये दुबई लेबर लॉ 139 जो भी प्रोसेस है उसमें साफ साफ ये बातें बताई गई है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता भाई बहुत सारे लोगों को ग्रेजुएटी बोनस नहीं मिलता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है किनको नहीं मिलता है, जो लेबर कैटेगरी के ब्लू कॉलर जॉब वाले वर्कर मजदूर होते हैं, यानी वर्करों का तो भाई सभी जगह शोषण होता है, कहीं चले जाओ, क्योंकि दुबई में बैठे हैं तो दुबई के मालिक नहीं है, वो बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, वो कौन देता है लोग, और आपको भी नहीं पता होता है कि क्या है, निकल जाओ बस, अपने को पासपोर्ट दे दे कंपनी, हम निकल जाएंगे, समझ गए। बाकी अग्रीमेंट में तो बहुत सारी आपकी चीज़ें लिखी होती है, उसके हिसाब से आपके टिकट का भी बनता है, आपकी और छुट्टी का भी पैसा बनता है, वो चीज़ें आपके अग्रीमेंट में है, उसके हिसाब से तय करिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो बस साथियों, आज की वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम और बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।